Hi, I'm Bindas. Hi, even I'm Bindas. Kya hua? No. Ami BN Das. Bijoy Narayan Das. Hamara insurance ka agency hai. Hey, hame insurance policy nahi chahiye. Aap jaiye. Nahi, hame aapko insurance nahi bechega. Hame to sirf shanti se baat karna hai. देखिए आप कितनी भी शांति से बात करेंगे बैठकर समझाएंगे तो भी हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे आप जाइए अरे ना हमें शांति लक्ष्मी से मिलना है वो एक लड़की है तुम डिसाइड कर लो शांति से मिलना है या लक्ष्मी से मिलना है बिजॉय कहाँ थी तुम अमरा नाम शांति लक्ष्मी अम इसको यहाँ बुलाया ये कोई कॉफी शॉप है गार्डन या फाइव स्टार की लॉबी फिर यहाँ क्यों बुलाया अयो हम कितना बड़ा प्रॉब्लम में है इसलिए हमने सुहानी को फोन किया आदि हूँ जेट शांति लक्ष्मी हाय सुहानी किसी का मैंने कुछ नहीं किया अयो हम हमारे प्रॉब्लम की वजह से रो दा सुहानी हम क्या बोलेगा हमारा आप भाई से लड़ता हमको कौन समझ में आएगा ओके काम डाउन कम ये लो पानी पियो थैंक यू Shanti, relax. Tell me, what is the problem? Ayyo, Appa! Oh no, so sad. Dekho, Shanti, Shanti rakho. Duniya mein jo log aate, unhe ek na ek din jana hi padta hai. Ayyo, Appa zinda. Unhone hum dono ka jeena mushkil kar diya. Kyun? Problem kya hai? Ayyo, Amma aur Bijoy ek dusre se love karta. लेकिन अप्पा इसको हेट करता कभी मिला नहीं कभी बात नहीं किया और इतना हेट करता हमको तो कुछ समझ में नहीं आता ओ, तो तुम चाहते हो कि हम दोनों अप्पा को समझाएं और नो अप्पा नहीं समझेगा हम चाहता है तुम दोनों हमारा विटनेस बनो तुम दोनों अप्पा का मर्डर करने वाले हो ना 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 हम दोनों तो ये करना चाहता है बीए पर शांति लक्ष्मी ने तो ऑलरेडी एमबीए किया है ना 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 ये भी है वो भी है नहीं है इट्स शादी ओ ब्याह सुहानी ब्याह कह रहा है ये तो कल ही कोर्ट चलते हैं प्रॉब्लम क्या है अप्पा अरे अप्पा नहीं हम कोर्ट चलते हैं यो प्रॉब्लम अप्पा है अब देखो हम चार बार घर से भाग गया लेकिन अप्पा का नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है हमको चार बार ढूंढ के निकाला अप्पा का नहीं मोबाइल का नेटवर्क अच्छा है इसी से तुम्हें ट्रेस करें लाओ इधर नाउ आई अंडरस्टैंड हमारा एक अंकल है वो मोबाइल कंपनी में काम करता है वाह मिस्टर खन्ना रम्म इंटेलिजेंट शांति आई नो आई डोंट हैव द राइट टू से पर मुझे लगता है कि तुम दोनों को ना अप्पा का आशीर्वाद लेकर ही शादी करनी चाहिए अयो इम्पॉसिबल अप्पा कभी परमिशन नहीं देगा मुझे तो लगता अप्पा पहुंच ही गया होगा डोंट वरी ही विल मैनेज ही इज वेरी स्मार्ट मेरा तो काम ही है लोगों को कन्विंस करने का यू नो इतने सारे इन्वेस्टमेंट मर्जन प्लान किए हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल अयो लेकिन अप्पा बहुत ही आइडियल शांति लक्ष्मी आज तुम आदित्य खन्ना का जादू देखना अमेजिंग खड़ी गाड़ी ठोक दी पता है क्या कीमत है इसकी देवा कैसा बात करता है कोई गाड़ी का कीमत देके गाड़ी ठोकता है क्या एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट हो गया मेरी गाड़ी में से भी धुआं निकल रहा है बगा अरे धुआं नहीं इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखी और दिखती नहीं है तो चलाते क्यों घर पे रख के फटका मारो ना उसको ये आत्मा जी सटक लिया सांगूठे होते क्या सटक ली अरे क्या हुआ भैया आधी पूरी गाड़ी ठोक दी यार पर ये लोग क्यों खड़े ये क्या शूटिंग हो रही है क्या पर चलो जाओ 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 यार जाओ अननेसेसरी मैं ना पूरा डैमेज लेने वाला अभी आपसे ये ऐसा अंगूठे होते एक पैसा दूंगा नहीं और इतना ही तकलीफ होता ना तो ये अपना खुद का गाड़ी है ना ड्राइंग रूम में पार्क करके रखना कोई गाड़ी आके ठोकेगा ही नहीं अच्छा चोरी ऊपर से सीना चोरी डैमेज का पूरा खर्चा देना पड़ेगा ये ऐसा अंगूठे हो तो अप्पा को धमकाने का नहीं अप्पा आप अप्पा हो हाँ अरे ये तो घर की बात है अप्पा कोई बात नहीं घर की नहीं कार की बात है आदि अरे इतना सा डेंट लगा है भैया इतना कमाते हो ठीक करवा लो ना आदि तू मेरी साइड है कि इसकी मैं अप्पा के साइड इतने अच्छे इंसान है अप्पा और अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करते होंगे है ना अप्पा हेलो मैं अपनी कार से बहुत प्यार करता हूँ यू नो दैट आदि बेकार की बात मत करो बेकार की नहीं कार की बात कर रहा हूँ अप्पा आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हो तो उसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते करता हूँ ना तभी तो नई गाड़ी खरीद के दी है
ओह, बेटी को नई गाड़ी, मुझे रिपेयर का खर्चा भी नहीं दे सकते आप? तू मेरी बेटी है क्या? वेट अ मिनट ब्रो, अप्पा आपकी बेटी को कार नहीं प्यार चाहिए। करता हूँ ना, तभी तो गाड़ी खरीद के दी है। तो उसकी पसंद से शादी क्यों नहीं करवाते? अरे कराऊंगा ना, अभी तो नाबालिग है, और नाबालिग की शादी करना मंडे काय थे, अपराध है ना। आदि, तू उसकी बेटी की काउंसलिंग क्या कर रहा है यार? मेरी कार डूब गई है। अरे वेट अ मिनट ब्रो, आपकी बेटी नाबालिग कैसी हो सकती है? ये ना है क्या है? बालिग होने से पहले लड़की नाबालिग ही होती है। पर आपकी बेटी ने तो MBA किया है। ये 12th पास किया है। ओ, 12th में है और उसको गाड़ी खरीद के दे दी, ड्राइवर भी दिया। ये तेरे को तकलीफ है क्या? अरे एक मिनट ब्रो, आप शांति के अप्पा हो या नहीं? अभी शांति कौन है यार? इनकी बेटी सुहानी की फ्रेंड, जिनकी ये शादी नहीं होने दे रहे, घर पे बैठ के रो रही है। ये गप बस रे, माँ जी एक कद मुलगी है, एक ही लड़की है, मंजरी। अच्छा, अब शांति लक्ष्मी के अप्पा हो या नहीं? नहीं, मैं अप्पा राव देशमुख, दोनों के दोनों ये डर दिखते रहे बाबा। अरे अरे भाई साहब, चला गया ना। अरे छोड़ो ना भैया, इंश्योरेंस है। आदि व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार, वो मराठी में बात कर रहा है, तुझे साउथ इंडियन समझ रहा है। हाँ वो तो मैंने अभी नोटिस किया, लेकिन ये शांति लक्ष्मी के अप्पा गए कहाँ? वो आम शांति लक्ष्मी का अप्पा। शांति लक्ष्मी तुम्हारे घर में? आपको हिंदी समझ आती है? ऑफ कोर्स है। पंजाबी? हम साउथ इंडियन है, हमको पंजाबी कैसे आएगा? तो चलो तुम्हारे घर पे, हमको शांति लक्ष्मी को घर लेके जाना, चलो। वीर जी सड़ घर जाओ, और उठी नो कहूं एते सी अप्पा पै गया है, मुंडे कुड़ी नो लुकाओ, छत्ती करो, जाओ। मैकेनिक को जल्दी बुलाने बोल रहा था, गाड़ी ठुक गई है ना। हाँ चलो चलो चलो। सुहानी सुहानी, मुंडे कुड़ी लुकाओ, छेती छेती करी। एक मिनट, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आप पंजाबी में क्यों बोल रहे हैं? मैं पंजाबी में क्यों बात कर रहा हूँ? अब्बा तो नीचे है। अब्बा नीचे? हाँ नीचे, और वो ऊपर आ रहे। सुहानी आदि ने बोला इन दोनों को छुपा दो। चुप जाओ चुप जाओ चुप जाओ। अरे बाहर नहीं, वहाँ दिख जाओगे। मेरी कार? नहीं नहीं, बेडरूम में नहीं, वहाँ तो सबसे पहले चेक करेंगे ना। सुहानी तो हम छुपे कहाँ? एक मिनट, तू काहे को छुपता? अप्पा तो तुमको नहीं पहचानता ना। सुहानी किचन में सुहानी। अप्पा नमस्ते। ये सुहानी, शांति लक्ष्मी किधर है? वो गई। झूठ, वो इधर है। शांति लक्ष्मी वो है कहाँ? इधर किधर होगा? सुहानी मैं बेडरूम में जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना। एक मिनट, हम चेक करेगा। बेडरूम किधर है? उधर। शांति लक्ष्मी सुनो, बिजोय तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, तुम। अरे ये भाग गए। नहीं मिली ना बेडरूम में? नहीं। अप्पा कहाँ था ना, घर पर नहीं है वो। एक मिनट, शांति शांति लक्ष्मी तुम किधर है? हटो, इधर भी नहीं। सुहानी शांति किधर है? अप्पा वो गई है अपने बॉयफ्रेंड को लेने, घंटे भर बाद आ जाएगी। ओके, हम उसका इधर ही वेट करेगा। या तो सीना जाओ, वो टिंचर टाइप है। अरे मेरी कार फंसी हुई है। जाओ। टाइम अभी तक नहीं आया। Who are you? Hey! Who are you? हम एक इंसान है जो भगवान की बनाई इस दुनिया में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बंगाली? He is my friend. इसकी बीवी का मायका इसी सोसाइटी में। जब भी
इसके बच्चे नाना नानी को मिलने आते हैं ना, ये हमसे मिलने आ जाता है ना। मैरिड या टू किड्स इज बिन दास। हां इट्स बीएन दास। सुहानी उसका नाम बिजॉय, अगर वो मुझे मिल जाए ना। अप्पा आप कुछ खाएंगे? तुमको मालूम है हम साउथ इंडियन का था। हाँ, तो साउथ इंडियन ही बनाते हैं ना। ही इज अ वेरी गुड कुक। मी या ही इज अ स्पेशलिस्ट इन साउथ इंडियन फूड। हाँ मैंने खाया है चिली गार्लिक लेमन ग्रास टू विद लेमन राइस, ये बनाते हैं। अच्छा मेक इट, हम खाएगा। ओके चलो 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 सोनी। अभी ये डिश तो बनाना हमको नहीं आता। अरे अरे डोंट वरी सुहानी है ना। नो, सुहानी नहीं है। मैंने बस एक बार रेसिपी बुक में उसका नाम पढ़ लिया था, गलती से मुंह से निकल गया। तुम लोग मरवाएगा हमको। अरे अप्पा साउथ इंडियन खाने के बहुत शौकीन है, तो मुझे लगा तुम एक अच्छी सी डिश बनाओगे और अप्पा खुश हो जाएंगे और वो शादी के लिए मान जाएंगे, है ना। करेक्ट, अगर बंगाली होकर तुम साउथ इंडियन डिश बनाओगे तो उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। लेकिन हम बनाएगा कैसे? अरे रेसिपी बुक है ना। हाँ सुहानी सारी तैयारियाँ हो गई है ना? हाँ आदि सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी है। ये रहा बॉइल राइस, खड़ा गरम मसाला, कटा हुआ लहसुन, कटी हुई मिर्च, कटा हुआ अदरक, लेमन ग्रास, चिली फ्लेक्स, कटा हुआ प्याज, लाल मिर्च, नमक, वेजिटेबल्स, कोकोनट मिल्क, कोकोनट पाउडर, राई, कड़ी पत्ता, पीनट्स, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, बटर, लाइम, ग्रेटेड कोकोनट और ये है धनिया। सबसे पहले पैन में ऑयल डालो। वो रहा। ओके। अब इसमें डालो खड़ा मसाला, अब उसे हल्के से भून दो। इसको ऐसे पकड़ो। ऐसे ऐसे। ओके हाँ। अब उसमें कटा हुआ लहसुन डाल, थोड़ा और डालो, थोड़ा और डालो। अब ग्रीन चिली, जिंजर दो चम्मच। अब इसमें डालना है लेमन ग्रास। अब इसमें डालो रेड चिली फ्लेक्स। अब उसमें डालो आधा कटोरी प्याज। अब डालना है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, कोकोनट पाउडर को पानी में मिक्स कीजिए और पैन में डालिए। अब कोकोनट मिल्क, बस यस। अब थोड़ा सा पानी डाल दो। अब सारी कटी हुई सब्जियां इसमें डाल दो। ओके वेरी गुड, अच्छे अच्छे से मिक्स कर। अब हल्का सा नमक, बस। अब इसे ढक्कन से ढक दो। जस्ट होप कि आपको ये डिश पसंद आ जाए। आ जाएगा। ये तो हो गया, अब हम इसे साइड में रखते हैं। ये लो चलो अब बनाएंगे लेमन राइस। ओके पहले इसमें डालो तेल। तेल बस। अब डालो राई, थोड़ी सी कटी हुई मिर्च, अब थोड़ा अदरक, अब डालो लहसुन, करी पत्ता, अब डालो वो पीनट, मूंगफली के दाने। okay. अब डालो प्याज, लाल मिर्च उधर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी। अब इसे हिलाओ अच्छी तरह से, मिक्स। चलिए फर्स्ट टाइम है ना,
शादी भी फर्स्ट टाइम ही होगी। तो क्यों बटन? अब डालो इसमें वो बॉइल्ड राइस चावल सारे डालो। वेरी गुड। अब इसे अच्छे से मिला। अब डालो नमक। अब वो लेमन को स्क्वीज कर दो। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो। चलो अब इस राइस को प्लेट में निकालो। और इसे गार्निश कर दो। धनिया, कोकोनट, लेमन, सिनेमन। सुपर हो गया। अब उस फोर्क से इस लेमन ग्रास को हटाओ, इसे निकालो। इसे इसलिए हटाते क्योंकि ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है। हो गया। अब इसे उस बोल में डालते। ये लो। अब बन गया चिली गार्लिक लेमन ग्रास स्ट्यू विद लेमन राइस। कैसा बना है अप्पा? वेरी गुड। व्हाट अ लेमन राइस। हमको मेरी माँ का याद आया। ये इसका नाम क्या? चिली गार्लिक लेमन ग्रास टू विद लेमन राइस। वेरी गुड। बहुत अच्छा। ये कैसे बनाया? अब बनाया ना इटा तो चलबे ना। हम ही बताएगा इटा चलबे ना। ये आदित्य तो बताएगा। मी ही ही अयो बनाया तुमने तो ये क्यों बताएगा? हाँ एक्चुअली हम ही बता था किंतु हमने इसको सिखाया तो ये हमारा शिष्य है तो अभी इसके लिए ये टेस्ट है। ये आपको बता के प्रूफ करेगा इसने कैसा सीखा। तो गुरुजी अभी जानना चाहता है कि शिष्य ने ठीक तरीके से सीखा या नहीं। अच्छा बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, दिल से बताऊंगा। मिस्टर बिंदास, तुम्हारा शिष्य तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। सबसे पहले लेमन ग्रास टू बनाने के लिए मैंने पैन में ऑयल गरम करके उसमें गरम मसाला, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, लेमन ग्रास, रेड चिली फ्लेक्स, प्याज, लाल मिर्च पाउडर डालकर उसे भून लिया। एक कटोरी में नारियल पाउडर को पानी के साथ मिलाकर मिक्सचर को पैन में डाला। फिर उसमें कोकोनट मिल्क, थोड़ा सा पानी, वेजिटेबल्स और नमक डालकर लिड बंद करके स्टू को पकाया। डिश पक जाने के बाद मैंने फोक से लेमन ग्रास को डिश से निकाला। स्टू को सर्विंग बोल में डालकर हरे प्याज से उसे गार्निश किया। लेमन राइस बनाने के लिए पैन में ऑयल गर्म करके मैंने राई, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, करी पत्ते, मूँगफली, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर,
हल्दी पाउडर, मक्खन डाला, फिर पके हुए चावल को मसाले में डालकर उसे मिक्स किया। उसमें नमक और नींबू का रस मिलाया। आखिर में डिश को गार्निश किया धनिए के पत्ते और कद्दूकस किए हुए नारियल से, और इस तरह तैयार हुआ चिली गार्लिक लेमन ग्रास स्टू विद लेमन राइस। एक इम्पोर्टेंट टिप, लेमन राइस बनाते वक्त उसमें थोड़े नींबू के पत्ते डाल लें तो डिश और टेस्टी बनेगी। अच्छा, तुमको साउथ इंडियन डिश में और क्या क्या आता है ये बता ना। क्या है, हमारे घर पे आना और हमको नया नया डिश बना के खिलाना। हमारी माँ की याद आता है। अयो बोलो ना, क्या क्या आता तुमको? अप्पम, अड़ी अप्पम, अवियल, पोडियल। अयो, वेरी गुड, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। ये क्या किया, छिपकली से डर कर शेर के सामने आ गई। ये प्लान, ये ट्रैप। मिस्टर बी एन दास, फुल नेम प्लीज। बिजॉय नारायण दास। ये वही है जिससे शांति प्यार करती है। आई नो, अभी जिसकी पीठ पर हाथ रखकर आप चल रहे थे, जिसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, नाम जानने के बाद अब आपको ये पसंद नहीं होगा। अरे सुहानी, उंगलियां चाटकर जिसके हाथ का बनाया हुआ खाना खा रहे थे आप, तब आपको पता नहीं चला, अब आपको सडनली महसूस हो रहा है कि ये बंगाली और आप साउथ इंडियन। आदित्य, मैं क्या फर्क पड़ता है, उसके 5 कान हैं, 3 नाक है, 4 आंख है। ये सुहानी, हम कुछ बोले। अब आप क्या बोलेंगे, यही ना कि आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे दो प्यार करने वालों को अलग कर कर आपको क्या मिलेगा? अयो हम अप्पा, आई लव हिम। मी टू शांति लक्ष्मी। लेकिन ये लोग बोलने नहीं देता। I am not a fool. You're wonderful. Thank you. अयो, इतना अच्छा लड़का। तो अप्पा, आपको ये शादी मंजूर है? 100%.